हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो है कि हमारे दो रैबिट्स लड़ाई क्यों करते हैं आपस में। एक्चुअली बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था, बट ये पार्ट वन वीडियो है। पार्ट वन बोले तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारे दो खरगोश आपस में झगड़ा क्यों करते हैं। और जो पार्ट टू आएगा वीडियो, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल वो पार्ट टू डाल दूंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि इस झगड़े को हम इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बताती हूँ कि हमारे दो खरगोश जो हैं, हमारे जो दो फरी बेबीज हैं, वो आपस में झगड़ा क्यों करते हैं। गाइस, वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया हो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पेट रैबिट के रिलेटेड अच्छी लगती है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फॉरवर्ड करें। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि दो रैबिट्स आपस में झगड़ा क्यों करते हैं। पहला कारण जिससे दो खरगोश आपस में झगड़ा करते हैं, जो सबसे 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 मेन इंपॉर्टेंट कारण है, वो है टेरिटरी। टेरिटरी यानी कि उसका एरिया डिफाइन। रैबिट्स बहुत ही टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं। आपने मैक्सिमम ये सब एनिमल्स में देखा होगा जो टेरिटरी होता है। टेरिटरी को हम लोग इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि जो एक स्पेसिफिक एरिया है जहां उसकी स्मेल होती है, वहां वो दूसरे रैबिट्स को पसंद नहीं करता है। तो सबसे जो पहला रीजन होता है उसका आपस में फाइट करने का, वो होता है टेरिटरी को लेकर फाइट करना। अब बात आती है कि क्या मेल मेल ही लड़ाई करते हैं या फीमेल मेल भी लड़ाई करते हैं या फीमेल फीमेल कम लड़ाई करती है। सबसे पहले हम पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या रीजन, क्या क्या कारण है दो खरगोशों का आपस में झगड़ा करने का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट है टेरिटरी, सेकंड है जब इनके हार्मोन्स किक करते हैं। यानी कि आप देखोगे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, 5 या 6 महीने से छोटे, जब वो एडल्ट रैबिट्स में नहीं काउंट होते तो वो आराम से ग्रुप्स में रह लेते हैं। मतलब वो 5, 6, 10 कितने भी हो, वो ग्रुप में रह लेते हैं। और बहुत सारे लोग इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं कि हमारे रैबिट्स बॉन्ड है, मगर नहीं गाइस, 5-6 महीने जब तक कि रैबिट एडल्ट नहीं होता और आपस में रहता नहीं है एक साथ, तब तक हम उनको बॉन्ड नहीं बोलते हैं। क्योंकि रैबिट के जो हार्मोन्स हैं वो एडल्ट एज में किक करते हैं, लाइक 5 या 6 महीने, डिपेंड करता है, जैसे इंसानों के ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमंस पे डिपेंड होता है, उसी टाइप से रैबिट्स में भी अलग अलग डिपेंड होता है। कई रैबिट्स 5 महीने में एडल्ट होते हैं, कई रैबिट्स 3 महीने में ही एडल्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक, जैसे हर इंसान एक जैसा नहीं होता, वैसे ही हर एनिमल्स भी एक जैसे नहीं होते। तो जब इनके हार्मोन्स एक्टिव होते हैं देन इनको ये सब चीजें ज्यादा लाइक यूरिन स्प्रे करना, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि रैबिट अपना शूशु को स्प्रे क्यों करता है। तो वो भी कारण कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए हैं। अभी बात हम कर रहे हैं कि आपस में झगड़ा क्यों करता है। तो जब वो हार्मोन्स उनके एक्टिव हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को डोमिनेशंस दिखाते हैं, यानी कि डोमिनेंस बिहेव दिखाते हैं कि कौन सुपीरियर है वहां। उनके बीच में ये चीज बहुत ज्यादा होती है। तो जब दो रैबिट फाइट करते हैं तो वो एक दूसरे को ये शो करना चाहते हैं कि हम तुझसे ज्यादा सुपीरियर हैं या बॉस हैं। बॉस आप एक इजी लैंग्वेज में बोल सकते हो, बॉस बोल सकते हो, यस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल मेल ही झगड़ा करते हैं, फीमेल फीमेल झगड़ा नहीं करती और मेल फीमेल आपस में झगड़ा नहीं करते। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ, रेशो थोड़ी सी मेल मेल की थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा होती है, और फीमेल फीमेल का झगड़ा करने का थोड़ी सी रेशो कम हो जाती है। मेल फीमेल के झगड़ा करने के पीछे भी रेशो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जो रेशो है जो झगड़ा करने के पीछे दो जेंडर्स हैं, वो है मेल मेल। अगर आपके पास दो या मल्टीपल मेल्स हैं तो वो 99% या 95% झगड़ा करते ही करते हैं। और मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि रैबिट्स एक दूसरे को जान तक से मार देते हैं गाइस। तो अगर आपके रैबिट एडल्ट हो चुके हैं और आपने उनको अभी तक सेपरेट नहीं किया तो सबसे पहले जाकर अपने रैबिट्स को सेपरेट करो। प्ले पैन ले सकते हो, सेपरेट रूम्स में उनको अच्छा सा सेटअप बना सकते हो, क्योंकि अभी फिलहाल आपको यही सॉल्यूशन करना है जो बाकी बड़ा वाला सॉल्यूशन है। आपको इनको बॉन्ड करना कैसे है, आपस में दोस्त बनाना कैसे है, ये वीडियो मैं कल अपलोड करूंगी। आज मैं उसको शूट कर रही थी बट अपलोड कल करूंगी। अभी मैं मेन कारण बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को कारण ही नहीं पता। जब इनके हार्मोन्स एक्टिव होते हैं उसके बाद ये कई बार हमें भी काटना शुरू हो जाते हैं।
तो ये सब इनके हार्मोन्स का लोचा है। मतलब आप इसको कभी भी ये मत सोचो कि यार हमारा रैबिट अग्रेसिव हो गया अचानक से, पहले ठीक था अब अचानक उसको क्या हो गया। तो गाइस ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको इन सब चीजों से डील कैसे करना है ये एज अ रैबिट पेरेंट्स आपको आना चाहिए। इन सब चीजों के चलते हुए आप अपने रैबिट्स को कहीं छोड़ आए या किसी को अडॉप्ट करवा दे, ये सब बहुत ही इनसेन होगा, बहुत इनह्यूमैनिटी होगी। इसलिए मैं हमेशा यही चीज बोलूंगी कि अगर आप एक बार अपना खरगोश ले आए हैं अपने पास, तो पूरा लाइफ लॉन्ग जब तक उसकी जिंदगी है तब तक वो आपकी जिम्मेवारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जैसे हर इंसान एक जैसा नहीं होता, वैसे हमें जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बात मैं कर रही हूँ कि रैबिट्स आपस में झगड़ा क्यों करते हैं, तो यस गाइस 95% केसेस में रैबिट आपस में झगड़ा करते हैं, मगर अभी भी बहुत लोग, बहुत क्या मतलब बहुत ज्यादा लोग अवेयर नहीं है कि रैबिट आपस में झगड़ा कर क्यों रहे हैं। कई लोग समझ ही नहीं पाते और फिर भी उनको एक साथ रख देते हैं। अगर आपका नॉन न्यूटर्ड रैबिट है तो वो एक दूसरे की टेस्टिस पे सबसे पहले अटैक करते हैं, जेनेटिक पार्ट्स पे अटैक करते हैं, जिससे एक दूसरे की जान तक चली जाती है। अगर आप गाइस ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज, अगर आपको पता है आपके रैबिट एडल्ट हो चुके हैं और आपने अभी तक उनको सेपरेट नहीं किया, तो दिस इज द राइट टाइम उनको सेपरेट करने का। आप उनको सेपरेट कीजिए, न्यूटर्ड और स्पेड करवाइए, देन उसके बाद बॉन्डिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स घबराओ नहीं, ये इतना लंबा चौड़ा कोई वो टास्क नहीं है। हाँ थोड़ा सा लंबा चौड़ा टास्क है, बट जहां प्यार होता है वहां ये सब चीजें हम करने को तैयार हो जाते हैं। मैं कल पूरी अपनी स्टोरी बताऊंगी, मैं फैब से लेकर टिल अभी तक इनको जिस टाइप से बॉन्ड कराती आई हूँ, जिस टाइप से मेरे स्टेप बाय स्टेप मैं इनको बॉन्ड कर रही हूँ, वो सारी डिटेल वीडियो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कल का वीडियो भी देखना ना भूलें। और आज का वीडियो में आपको पता लग ही गया है कि ये इनका हार्मोनल बिहेव है, नॉर्मल बिहेव है। प्लीज आप थोड़े से अग्रेसिव होकर उनको डांटे नहीं, क्योंकि रैबिट को डांटना या मारना बिल्कुल अगेंस्ट है। रैबिट्स बहुत ही ज्यादा फ्रजाइल, बहुत सेंसिटिव, बहुत ही नाजुक जानवर है। गलती से भी अगर उसको लग जाए या बहुत तेज हम शाउट करते हैं तो वो डर जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत सारे केसेस में हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका रैबिट आपस में फाइट कर रहा है, तो प्लीज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको पहले पूरा रिसर्च करना चाहिए कोई भी पेट रखने से पहले, कि क्या इनमें इश्यूज हैं, क्या इनमें टेरिटरीज है, क्या इनमें जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करेंगे, मतलब ये सब चीजें आपको रिसर्च करनी है। वो अपना नॉर्मल जैसा भगवान ने उसको बनाया है, वो अपना नॉर्मल वैसा ही है, वैसे ही लाइफ जी रहा है। तो ये सब चीजें आपको करेक्ट करनी है, ना कि रैबिट को। बट आप उसको किस तरीके से कर एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो बहुत जल्दी मोस्ट प्रोबेबली कल ही आ जाएगा। तो गाइस रैबिट झगड़ा करते हैं टेरिटरी के कारण, दूसरा रैबिट झगड़ा करते हैं अपने आप को बॉस बताने के लिए, उनके हार्मोन्स एक्टिव होते हैं तब वो झगड़ा करते हैं, या आप कई बार मल्टीपल रैबिट्स रखते हैं तो वो छोटे रैबिट को दबाने की कोशिश करते हैं, ये भी टेरिटरी में आ जाता है। तो बहुत ज्यादा मैं ब्रीफ करके लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं जस्ट आपको बताना चाह रही हूँ कि रैबिट झगड़ा क्यों करते हैं और ये 100% नॉर्मल बिहेवियर है। 95% मतलब बहुत ही इक्का दुक्का चांस होता होगा कि जहां पे उनके खरगोश बिना न्यूटर्ड बिना स्पेड मतलब बॉन्ड होकर रह रहे हैं। दूसरी चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, न्यूटर्ड और स्पेड होना उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। सिर्फ मतलब हमें उनको दोस्त बनाने के लिए न्यूटर्ड स्पेड की सर्जरी नहीं करानी, हमें उनकी हेल्थ अच्छी करने के लिए भी उनकी ये सर्जरी करवानी है। क्योंकि वैसे भी अगर आपके पास मेल फीमेल है तो आपको ये डीसेक्सिंग यानी कि न्यूटर्ड और स्पेड सर्जरी करानी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप उनको रख ही नहीं सकते। यू विल गेट सो मच किड्स जो आप नहीं चाहोगे, क्योंकि बहुत सारे रैबिट्स अभी भी हैं जो एबेंडेंट हैं, जिनको फॉरएवर होम नहीं मिल रहा। दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो इतने सारे रैबिट्स अभी भी एडॉप्शन में हैं, बट वही है कि एक फॉरएवर होम ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो गाइस इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जब रैबिट फाइट करते हैं तो आप अग्रेसिव मत हो, आप उसको एक एबनॉर्मल बिहेव मत सोचो, इट्स टोटली 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 नॉर्मल। मेरे चीकू ने फाइट किया था, आई थिंक ही वॉज 3 मंथ फोल्ड, और चेरी मफिन ने 6 महीने तक एक साथ रहे थे। ये सारी फोटोग्राफ्स जो मैं बॉन्डिंग वॉन्डिंग कर रही हूँ, ये सारी फोटोग्राफ्स मैं कल वाले वीडियो में अपना डाटा वाटा इकट्ठा करके डाल रही हूँ। और इनके हार्मोन्स बाद में एक्टिव हुए थे, चीकू के पहले एक्टिव हुए थे, देन आई रियलाइज कि अच्छा चीकू और चैरी का बहुत तगड़ा झगड़ा होते होते बस लकीली मैंने देख लिया था।
तब मुझे पता लगा कि दिन मैंने बहुत सारा रिसर्च किया और तब पता लगा कि रैबिट्स ऐसे ऐसे फाइट करते हैं और मल्टीपल रैबिट्स रखना इज नॉट अ इजी टास्क, बिलीव मी गाइस। तो आपको वो रखने किस तरीके से है, बॉन्ड कैसे करने हैं, आपस में दोस्ती कैसे बनानी है, इसके लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। कल हम मिलते हैं दोबारा से एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं बताऊंगी कि इन दोनों को हम बॉन्ड कैसे कराएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही द गाइस कि अगर रैबिट आपस में झगड़ा करते हैं तो प्लीज उनको डांटे नहीं, मारे नहीं, उनकी प्रॉब्लम समझे, उनके हार्मोन्स बिहेवियर को रिस्पेक्ट करें। और इसके ऊपर कैसे हमें रिजल्ट, यानी कि कैसे हमें ओवरकम करना है, क्या हमें चीज करनी है जिससे हम उनको दोस्त बना सके, वो चीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ रैबिट पेरेंट्स, तो वो हमें करना है। तो गाइस, वीडियो एंड करने से पहले आपको मेरा ये सेटअप कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। ये मैंने बहुत पहले बनाया था बट मैंने लगाया नहीं था, मेरा प्लान था मैं दिवाली पे लगा दूं बट मैं लगा नहीं पाई। देन कल रात को मैंने ये थोड़ा किया, ये नकली कैरेट्स है मैं लेकर आई थी बहुत पहले की, बट अब मैंने लगाई है। चीकू के रूम में भी मैंने कुछ इस टाइप से निकनैक किया है, बहुत ज्यादा नहीं, उसमें मैं जब शूट करूंगी देन आप लोग देख लोगे, आप इंस्टाग्राम पे मैं फोटोग्राफ्स डाल दूंगी। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, वहां पे आप आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, अगर कोई भी इमरजेंसी है तो आप हेल्पलाइन पे पिंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।